हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूपी पाठशाला पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हम मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में हम दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, नंबर सिस्टम और परसेंटेज। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, तथा पहले चैनल पर जाने के बाद प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहां पर सारे के सारे चैप्टर सीरियल वाइज आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम को देखिए, उसके क्वेश्चंस बनाइए, परसेंटेज को देखिए, परसेंटेज के क्वेश्चंस बनाइए। उसके बाद आज जो शुरू करने वाले हैं, हम आज शुरू करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ठीक है। इसकी क्लासेस रेगुलर देखिए, ठीक है। लाभ और हानि एक ऐसा चैप्टर है जिसका क्वेश्चंस वो कोई भी एग्जाम हो आपका, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। इसका क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा यूपी टेट के एग्जाम में भी, एक क्वेश्चन भी मिल सकता है, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, दो तीन, तीन क्वेश्चन हद है, तीन क्वेश्चन तक इसके मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो आराम से धैर्य बना के सारी चीजों को सुनना है और अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं हम, आप सभी को पता है प्रॉफिट का मतलब होता लाभ और लॉस का मतलब होता हानि, ठीक। प्रॉफिट कब होता है हमें, जब हम किसी वस्तु को खरीद कर लेकर आते हैं, किसी दुकानदार से हम किसी वस्तु को खरीद कर लेकर आते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी दुकानदार से किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद के लेकर आया, किसी दुकानदार से किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद के लेके आया, 100 रुपये में खरीद के लेके आया, और मैंने उस वस्तु को भी 120 रुपये में बेच दिया, 100 रुपये में खरीद के लेके आया, 120 रुपये में खरीद दिया, तो आपसे मैं पूछूं कि कितने कितने रुपए का मुझे लाभ हुआ, कितने रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलेंगे 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। क्योंकि मैं 100 रुपये में लेके आया था, 20 रुपये ज्यादा, 120 रुपये में मैंने बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हो गया मुझे, 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यदि मैं आपसे बोलता कि मैं 100 रुपये में किसी वस्तु को लेके आया और वो मैंने 120 में ने बेच के 80 रुपये में मैंने बेच दी, तब मैं आपसे पूछता कि मुझे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, आप बोलेंगे लॉस हुआ है, हानि हुई है। कितने रुपए की हानि हुई है, क्योंकि मैं 100 रुपये में लेके आया था, 80 रुपये में बेची है, इसका मतलब आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि मुझे कितने रुपए की हानि हुई है, 20 रुपये की मुझे हानि हुई है, ठीक है। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक। चलिए एक और एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या है। जैसे मैं एक बुक सेलर की दुकान पे गया, मैंने वहां से बुक ली और मैंने वो बुक ली वहां से 10 रुपये की बुक ली, कोई बुक थी उसका प्राइस क्या था, 10 रुपये था, वो मैंने खरीद ली, तो ये 10 रुपये जो होगा उसका क्या होगा, सीपी होगा, ठीक। जितने रुपए में मैं खरीद के लेकर आया वस्तु को, वो उस वस्तु का क्या है, सीपी है, मतलब क्रय मूल्य, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम, क्रय मूल्य, ठीक। और यही वस्तु मैंने कितने रुपए में बेच दी, 15 रुपये में बेच दी, इसका मतलब ये जिस रुपए में मैंने बेची है, जितने रुपए मैंने बेची है, वो क्या होगा इसका, एसपी होगा, सेलिंग प्राइस, हिंदी में बोलते हैं इसको विक्रय मूल्य, क्या बोलते हैं इसको, विक्रय मूल्य, ठीक है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। अब 10 रुपए के मैं लेकर आया था, 15 रुपए में मैंने बेच दी, तो कितने रुपए का मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सबसे पहली बात तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने ज्यादा रुपए में बेची है, 10 रुपए में लाके 15 रुपए में बेच रहा हूं, तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का होगा, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लाभ। अगर मैं लाभ की बात करूं तो क्या जाएगा मेरा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। जितने रुपए में बेची है, कितने में बेची थी, 15 में, कितने में खरीदी थी, 10 रुपए में, कितना आ गया मेरा, 5 रुपए, ठीक है। तो 5 रुपए मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, लाभ आ गया। तो लाभ का जो फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट बराबर जो होता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद यदि मैं आपसे बोल देता, मैं इसको मिटा देता हूं, कि कोई वस्तु मैंने 10 रुपए में खरीदी और मैंने वो कितने रुपए में बेच दी, 5 रुपए में मैंने वो वस्तु बेच दी, ठीक है। वस्तु का सीपी या क्रय मूल्य कितना, 10 रुपए है, और मैंने बेची 5 रुपए में, एसपी उसका कितना, विक्रय मूल्य कितना है,
₹5 है, तो मुझे क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी, ये बताना सबसे पहले। तो सिंपली आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले मुझे क्या होगा, हानि होगी ₹5 की। ठीक है, तो हानि कैसे निकालते हैं हम वो देखते थे। हानि या इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉस, बराबर क्या होगा मेरा सीपी, मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस एसपी, मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो सीपी कितना था मेरा, सीपी कितना था ₹10 था, विक्रय मूल्य क्या था ₹5 था, तो कितना आ गया मेरा ₹5। हानि कितने रुपए की होगी मुझे, ₹5 की होगी। अगर मैं हानि की बात करूं कि हानि का फॉर्मूला क्या होगा, आपका हानि का फॉर्मूला हो जाएगा लॉस बराबर सीपी माइनस के एसपी, क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। ठीक है, ये आज की क्लास का आपका दूसरा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अगर सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बनेंगे डायरेक्ट आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जबकि मैं फॉर्मूलों का यूज नहीं करूंगा। ठीक है, सीधा सीधा मैं परसेंटेज का यूज करूंगा। एक कॉन्सेप्ट होगा, परसेंटेज से हम क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे, और फ्रैक्शन से ही हम सारे के सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि लॉस कैसे निकालेंगे उसकी बात कर ली। ठीक, चलिए अगर मैं आपसे पूछूं लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे किसी वस्तु का। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई भी वस्तु, कोई वस्तु मैंने खरीदी ₹20 में मैंने कोई वस्तु खरीदी, खरीदने का मतलब इसका सीपी कितना हो गया ₹20, मतलब किराए मूल्य, किराए मूल्य कितना हो गया इसका ₹20। और वही वस्तु मैंने कितने रुपए में बेच दी, ₹25 में बेच दी, इसका मतलब एसपी उसका कितना हो गया ₹25, मतलब विक्रय मूल्य उसका कितना हो गया ₹25। ठीक, मैंने पूछा कि प्रॉफिट बताइए और प्रॉफिट परसेंट बताइए। ठीक है, दो चीजें आपको बतानी है, प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट परसेंट बताना है। ठीक है, सबसे पहले आप प्रॉफिट निकालेंगे। मैंने बताया था प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट मतलब कि लाभ निकालने के लिए क्या होता है लाभ का फॉर्मूला, लाभ का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। कितना विक्रय मूल्य 25, क्रय मूल्य कितना है 20, कितना आ जाएगा मेरा 5, ₹5 का मुझे क्या होगा प्रॉफिट। तो सबसे पहले मुझसे पूछा था प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट ₹5 होगा। अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करें, प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो क्या होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस जो होता है हमारा वो हमेशा हमें सीपी पे होता है, ना कि एसपी पे। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस जब भी हम निकालेंगे, परसेंटेज जब भी हम निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जब भी हम निकालेंगे, वो हमेशा सीपी पे निकलेगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट जो होता है वो सीपी पे होता है, लॉस जो होता है वो भी हमें सीपी पे होता है। ठीक है, यदि हमसे क्वेश्चंस में पूछेगा कि हमें ₹20 का सेलिंग प्राइस पर, विक्रय मूल्य पर हानि होती है या विक्रय मूल्य पर लाभ होता है, तब हम सीपी की जगह एसपी रखेंगे। जब हम, हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ होगा कि हमें लाभ और हानि किस पे हो रही है, सेलिंग प्राइस पे हो रही है, विक्रय मूल्य पर हो रही है, तब हम एसपी रखेंगे। वरना अगर क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ, सीधा लॉस परसेंट और आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो आप सीपी रखेंगे हमेशा। ठीक है, पर्टिकुलरली किसी क्वेश्चन में बोलेगा कि हाँ भाई हमें लाभ और हानि विक्रय मूल्य पे हुई है, तभी हम एसपी नीचे रखेंगे, वरना तो सीपी पे ही होता हमें लॉस और हानि। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालें इसका, तो कैसे निकालेंगे, देखो प्रॉफिट कितने का हुआ है हमें, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट कितने का हुआ, ₹5 का। कितने रुपए पर हुआ, सीपी क्या था भैया ₹20 गुणा 100। ठीक है, बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं अभी, 20 कितना था 100 होता 25%, 25% का प्रॉफिट होगा आपको। ठीक है, ये बेसिक चीजें बता रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये आसान लग रही होंगी और इन्होंने कर भी रखी होंगी। ठीक है, तो सभी बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ मैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एडवांस लेवल का पढ़ना चाहते हैं, तो सभी के लिए पढ़ा रहा हूँ। बेसिक्स टू एडवांस चलेंगे, जितना भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर हमसे पूछेगा लॉस परसेंट,
लॉस परसेंट हम कैसे निकालेंगे उसकी बात कर लेते हैं। यदि हम लॉस परसेंट की बात करें तो मैंने क्या करा कि किसी वस्तु को 20 रुपए में खरीदा और मैंने कितने रुपए में बेच दिया, 15 रुपए में बेच दिया, तो मुझे कितने का लॉस होगा, पहले तो लॉस बताना है, उसके बाद आपको लॉस परसेंट बताना है, दो चीजें आपको बतानी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लॉस निकालेंगे, हानि, हानि के लिए मैंने बोला था आपसे क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक। सीपी कितना था, 20 था, एसपी कितना था, 15, कितना आ गई, 5 रुपए की हानि आ गई, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो लॉस पूछा था हमसे, लॉस कितना होगा, 5 रुपए होगा। अब अगर हम लॉस परसेंट की बात करें तो लॉस परसेंट कितना होगा हमारा, देख लीजिए, लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, जैसे हमने प्रॉफिट परसेंट निकाला था वैसे हम लॉस परसेंट निकालेंगे, लॉस अपॉन सीपी, क्योंकि लॉस भी हमारा सीपी पे होगा, प्रॉफिट भी हमारा सीपी पे होगा, इनटू 100, ठीक है। ये लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है, याद रखना है, ठीक। निकाल लो लॉस परसेंट, लॉस परसेंट बराबर कितना आएगा, लॉस कितने का था, 5 रुपए का, और सीपी कितना था हमारा, 20 × 100, ठीक है। अगर हम काट दें 20 × 100 तो कितने का लॉस होगा, 25% का लॉस होगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, 25% का लॉस होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब यदि मैं आपसे बात करूं, यदि मैं आपसे बात करूं कि कोई वस्तु मैंने, यदि मैंने कोई वस्तु 25 रुपए में खरीदी, मतलब सीपी कितना है उसका, 25 रुपए है, किराए मूल्य, किराए मूल्य कितना है उसका, 25 रुपए, कोई वस्तु मैंने 25 रुपए में खरीदी और वही वस्तु मैंने 30 रुपए में बेच दी, मतलब एसपी कितना है उसका, 30 रुपए है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है उसका, 30 रुपए है, और विक्रय मूल्य कितना है, 30 रुपए है, तब मैं आपसे पूछूं कि प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट बताइए कितना होगा, विद इन सेकंड में जल्दी से करके बताओ मुझे कितना होगा, प्रॉफिट बताना, प्रॉफिट परसेंट बताना। देखो प्रॉफिट के लिए कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, देखो एसपी माइनस के कितना होता है सीपी, 30 माइनस के कितना आएगा, 25, तो मतलब 5 रुपए का हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है, अब थोड़ा फास्ट करूंगा। और प्रॉफिट परसेंट की बात करेगा, मतलब कि लाभ परसेंट की बात करेगा आपसे, लाभ परसेंट कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, 5 रुपए का, कितने पे हुआ, 25 पे, गुणा 100 करेंगे, 25 चौका कितना होता है 100, मतलब 5 × 20 20% का आपको क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आई होंगी अच्छे से, कैसे प्रॉफिट निकालना है, कैसे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, कैसे हानि निकालनी है, कैसे हानि परसेंट निकालना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, नेक्स्ट क्या चीजें आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए मैंने इतना मिटा दिया। अब मैंने बोला कि मैं किसी वस्तु को 25 रुपए में खरीद के लेके आया, सीपी उसका कितना, 25 रुपए है, किराए मूल्य कितना, 25 रुपए है, ठीक। और इस वस्तु पर मुझे 25% का क्या होता है, लाभ होता है, इस वस्तु पर मुझे 25% का लाभ होता है, तब मुझे क्या बताना है, तब मुझे क्या बताना है, तब इसका एसपी बताइए, ठीक है। अगर डायरेक्ट कर सकते हैं आप परसेंटेज से डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले आपको फॉर्मूला बताऊंगा इसका कि एसपी और सीपी निकालने का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला और क्या फॉर्मूला होता है जब हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, सीपी गिवन हो, प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, लॉस परसेंट गिवन हो, तो फॉर्मूला कैसे निकालते हैं उसकी बात कर लेते हैं, ठीक। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि 25 रुपये उसे क्या है, सीपी है, और 25 रुपये का क्या हो रहा है, उसे लॉस प्रॉफिट हो रहा है, 25 रुपए क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है एसपी निकालने का, तो एसपी बराबर हमारा होता है सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट और लॉस परसेंट लिख लो, प्रॉफिट और लॉस परसेंट अपॉन 100, ये आपका एसपी निकालने का फॉर्मूला होता है। जब भी आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट गिवन होगा और सीपी गिवन होगा, एसपी आपसे पूछेगा, तो एसपी बराबर होता है सीपी इनटू प्लस माइनस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट अपॉन 100, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखो अगर इसका निकालें हम, एसपी निकालें इस क्वेश्चन की, तो
तो SP बराबर देखो कितना आएगा, CP कितना है 25 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो हम माइनस करेंगे, प्रॉफिट हो रहा कितने का 25% का, तो कितना आएगा 125 अपॉन 100। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। देखो 25 से काटो, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ठीक है, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, और ये कितना आएगा 25 पंजे 125 बटे 4, पॉइंट में आ रहा होगा आपका, ठीक है आंसर। इस तरीके से आप क्या निकालेंगे, इसका एसपी निकाल लेंगे। ठीक है, यदि आपको लॉस गिवन होता, चलिए लॉस की बात कर लेते हैं, यदि मैं आपसे लिख दूं कि किसी वस्तु को 25 रुपए में खरीदने पर 20% का आपको क्या होता है, लॉस होता है, 20% का क्या होता है, लॉस होता है, तब आपको एसपी बताना है क्या होगा। तो एसपी बराबर क्या होता है हमारा, 25 सीपी गुणा प्रॉफिट और लॉस परसेंट, अगर लॉस है तो 100 में से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 80 बटे कितना आएगा हमारा 100, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 5 पंजे 25 कितना आ गया 20%। ठीक है, तो 20% का कितना, सॉरी 20 रुपये, ठीक है 25 रुपये था, 20 रुपये का हमने बेचा, तभी हमें क्या होगा 20% का लॉस होगा। आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, नेक्स्ट कैसे पूछेगा, अगर हमसे बोल दे कि किसी वस्तु को मैंने 30 रुपये में बेचा, मतलब कि उसका सेलिंग प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य 30 रुपये है, किसी वस्तु को मैंने 30 रुपये में बेचा और उस वस्तु पर मुझे क्या होता है, उस वस्तु पर मुझे 20% का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कितना होता है 20% का प्रॉफिट होता है, तब हमसे पूछेगा कि सीपी बताइए, सीपी क्या होगा। ठीक है, जब भी आपको एसपी गिवन हो, प्रॉफिट और लॉस परसेंट गिवन हो, सीपी आपसे पूछे, तो सीधा सीधा आपको सीपी का फॉर्मूला होता है, सीपी बराबर एसपी गुणा 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा सीपी निकालने का। कैसे निकालेंगे सीपी इसके द्वारा, चलिए देख लेते हैं। सीपी बराबर मैंने बताया एसपी कितना है 30 इंटू 100 करेंगे हम, अपॉन प्रॉफिट कितने का है हमें 20 का, तो 100 में 20 करेंगे तो 120 हो जाएगा, ये काटो 20 का 120, 20 पंजे 100, 6 पंजे 30, तो कितना आ गया 5 पंजे 25, 25 रुपये हमारा क्या था इसका सीपी था। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये अच्छे से। चलिए अगर आगे चलते हैं, अगर आपसे बोल दे कि हमें इस पर कितने का लॉस हुआ, इस पर लॉस हुआ हमें 25% का लॉस हुआ। ठीक है, तब हमसे बोल दे सीपी फाइंड करो, तो सीपी कैसे निकालेंगे, देखो सीपी एसपी कितना 30 इंटू 100 करेंगे अपॉन क्या करेंगे, लॉस हो रहा तो माइनस करेंगे 100 में से, तो कितना आएगा 75। ठीक, 25 या 75 होते हैं, 25 चौका 100, 3 से कितनी बार जाएगा ये, 3 से जाएगा हमारा 10 बार, तो कितना आएगा 40, तो 40 हमारा क्या होगा इसका सीपी होगा, 40 रुपये आंसर। आई थिंक ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और सब कुछ बढ़िया लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चलिए आप क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन की बात करी, क्वेश्चन नंबर 1 है कि कोई दुकानदार एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है तथा इसी को 700 रुपये में
बेच देता है तब लाभ तथा लाभ परसेंट बताइए। ठीक है, आपको दे रखा है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदता तथा इसी को 700 रुपए में बेच देता, तब हमें लाभ और लाभ परसेंट बताना है। सीधे सीधे मैंने आपसे बताया था, अगर हम लाभ की बात करें तो लाभ हमारा क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है, क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य है। एसपी कितने रुपए में बेची थी, 700 रुपए में बेची थी। सीपी कितना था हमारा, 500 रुपए में खरीदी थी हमने, तो कितना आ गया, 200 रुपए का लाभ आ गया। ठीक है, आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। अब हमसे 200 रुपए का लाभ आ गया, हमसे पूछा लाभ परसेंट। लाभ परसेंट के लिए मैंने आपसे बताया था कि लाभ अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। लाभ कितने का है, 200 का। सीपी कितना है, 500 इंटू 100 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, लाभ परसेंट आ जाएगा। दो जीरो से दो जीरो जाएंगे, 5 से कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20 40, तो इसका कितना आ गया, 40% हमें क्या होगा, लाभ होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आज की क्लास का। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 300 रुपए में बेच देता है, तब उस व्यक्ति को हुआ लाभ या हानि, परसेंट बताइए। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, क्वेश्चन में हमसे बोला कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 300 रुपए में बेच देता है। 500 रुपए में खरीदता है, इसका मतलब उसका सीपी कितना है, 500 रुपए है। 300 रुपए में बेच देता है, इसका मतलब उसका एसपी कितना गिवन है हमें, 300 रुपए गिवन है। हमसे पूछा कि लाभ हो रहा है ये बताना हमें। अब जो भी होगा उसका परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं, देखो सीपी ज्यादा है एसपी कम है, इसका मतलब हमें पता है सीधा सीधा इसे हानि होगी। कितने की हानि होगी, तो हानि बराबर क्या होता है, बराबर सीपी माइनस के एसपी। ठीक है, 500 माइनस के 300, 200 रुपए की क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, 200 रुपए की हानि आ गई। हानि परसेंट के लिए मैंने बोला था कि हानि परसेंट अगर हमने हमें निकालना हो, हानि परसेंट बराबर क्या होता है, हमारा हानि अपॉन सीपी गुणा 100। ठीक है, तो हानि परसेंट निकाल लेंगे आप, कैसे निकालेंगे, हानि कितने की रुपए की है, 200 रुपए की है। सीपी कितना हमारा, 500 रुपए है, और 100 से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो जाएगा, 5 चौक 20, तो कितने का आएगा, 40%। तो 40% का क्या होगा, हमें हानि हो जाएगी आंसर। ठीक है, आई थिंक ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। ठीक, सिंपल सवाल है इसलिए थोड़ा तेजी से कर रहा हूं मैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे किस टाइप की क्वेश्चंस पूछेगा आपसे उसके बारे में जानते हैं। यदि आपको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं आज की क्लास की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक घड़ी को 200 रुपए में बेचने पर, एक घड़ी को 200 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तब वस्तु या घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, एक घड़ी को 200 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताना है।
मैंने आपसे बताया था मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको फ्रैक्शन से कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20% की फ्रैक्शन लिखेंगे। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप सभी को पता है कि 1/5 होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये क्या है, इसका सीपी है, ठीक है। 5 रुपए का अगर हम 20% निकालें तो कितना आता है, 1 आता है हमारा। इसका मतलब क्या, हानि हो रही है, तो इसका मतलब क्या, 1 रुपए की हानि हो रही है। 5 रुपए की कोई चीज 1 रुपए की हानि से अगर हम बेचते हैं तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा भैया, 5 - k = 4, ठीक है। तो 4 इसका क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा, सीपी उसका 5 है। अब हमसे बोला कि एक घड़ी को 200 रुपए में बेचने पर, तो बेचने पर मतलब सेलिंग प्राइस है ये 200, किसके बराबर होगा, 4 के बराबर, मतलब 4 बराबर हवर अगर हमारा 200 रुपये है, हमसे बुलाना बताना है क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य हमारा कितना है, 5 रुपये है, तो 5 बराबर कितना होगा, तो 200 × 5/4, 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 × 5 = 20, 50 बार जाएगा, 5 × 5 = 25, 250 रुपये, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से, इसका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 250 रुपये होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 किस टाइप से बनेगा आपके एग्जाम में उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक कुर्सी को 500 रुपये में बेचने पर, एक कुर्सी को 500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, लाभ होता है। एक कुर्सी को 500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तब कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य हमें बताना है, ठीक है। अब 25% का सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन लिखेंगे। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, आप सभी को बता, 1/4 होता है। ये इसका क्या होगा, सीपी होगा, हमेशा सीपी होता है, प्रॉफिट लॉस में हमेशा प्रॉफिट लॉस जो होता है वो सीपी पे होता है, ठीक है। तो ये सीपी होगा। अब 4 का अगर 25% निकालते हैं हम तो 1 आता है, ठीक, 1 आता है। इसका मतलब 4 रुपये पे हमें कितने का लाभ होता है, 1 रुपये का लाभ होता है। इसका मतलब उसका एसपी कितना होगा, 4 + k = 5, 5 रुपये उसका क्या होगा, एसपी होगा, 4 रुपये उसका क्या होगा, सीपी होगा, ठीक है। वो कह रहा है एक कुर्सी को 500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, 500 रुपये में बेच रहा है, तो बदला इसका मतलब क्या है कि 5 रुपये यहाँ पे एसपी आया हमारा, और एक्चुअल में जो हमें गिवन है वो कितना है, 500 रुपये। तो इसका मतलब क्या होगा, 5 = 500, 1 = कितना आएगा हमारा, 100 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे 1 की वैल्यू निकालने के लिए, और इसलिए 4 बराबर अगर हम निकालें तो 4 बराबर कितना आएगा, 400 रुपये, ठीक है। इसलिए वस्तु का जो सीपी होगा वो कितना होगा, कुर्सी का जो सीपी होगा वो कितना होगा, 400 रुपये होगा आंसर, ठीक है। आई थिंक ये भी समझ में आया होगा आपको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, और यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं प्रॉफिट लॉस से, परसेंटेज से एक बार को क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन प्रॉफिट लॉस से 110% क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि एक साइकिल को 70 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है, 15% का लाभ होता है, इसे कितने रुपए में बेचे, इसे कितने रुपए में बेचे जिससे व्यक्ति को 20% का लाभ हो,
ठीक है। अब हमसे बोला है कि एक साइकिल को 2070 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का प्रॉफिट होता, लाभ होता है। इसे कितने रुपए में बेचे जिससे व्यक्ति को 20% का लाभ हो, ठीक है। इतने रुपए में बेच रहा, 15% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब हमें सेलिंग प्राइस गिवन है। सबसे पहले मैंने आपसे बताया कि जो भी परसेंटेज है उसका फ्रैक्शन लिखिए। अगर मैं 15% की फ्रैक्शन लिखूं तो 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/20, ठीक है। ये चीजें आपको मैंने परसेंटेज में अच्छे से बताया कि कैसे हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी, आपने परसेंटेज नहीं देखी, सबसे पहले परसेंटेज की कंप्लीट वीडियो देखिए, उसके बाद आप प्रॉफिट लॉस की वीडियोज देखिए, ठीक है। तो 15% का जो प्रॉफिट वो होता है, फ्रैक्शन होता है आपका, वो कितना होता है, 3/20 होता है। इसका मतलब क्या है, अब प्रॉफिट हो रहा तो इसका मतलब ये सीपी गिवन है हमें, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो हमेशा सीपी पे होता, सीपी हमारा 20 है, और 15% के प्रॉफिट पे लाभ पे बेचा था तो कितना होगा उसका एसपी, कितना होगा एसपी बराबर कितना होगा, 20 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 23। इसका मतलब क्या है कि उसका एसपी जो था वो 23 था, और यहां पे एक्चुअल में हमें कितने रुपए दिया हुआ है एसपी, 2070। इसका मतलब क्या है कि 23 बराबर हमें कितना दिया है, 2070। तो हम सीपी निकालेंगे, अगर 20 निकालने की बात करें तो 20 बराबर कितना आएगा हमारा, देखो 2070 एक की वैल्यू निकालेंगे तो 23 से डिवाइड करेंगे, 20 की वैल्यू निकालेंगे तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो इससे काटेंगे हम, 9 बार जाएगा ये, तो यहां से कितना आएगा, 90, ठीक, 9 बार जाएगा 23 से पूरा 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 9 × 2 = 18, तो 1800 आपका क्या आ गया, 1800 रुपए आपका क्या आ गया, सीपी आ गया इस वस्तु का। अब आपसे सीपी पूछता तो आप सीपी भी निकाल देते आसानी से, अगर आपसे पूछता कि इस वस्तु का इतने बेचने पर वस्तु का सीपी बताइए तो सीपी आप आसानी से बता देते, ये आ गया सीपी। अब आपको क्या चाहिए, इस सीपी पे आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 20% का प्रॉफिट लेने के लिए ये अपने आप में 100% है, तो कितने रुपए में बेचे, तो सेलिंग प्राइस जो होगा हमारा वो 1800 पे हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो डायरेक्ट हम इसका क्या निकालेंगे, 120% निकाल देंगे, 120% निकालेंगे तो 20 से 20 कट जाएंगे। अब देखो 12 × 8 कितने होते हैं, 96, कैरी कितना आएगा, 9, 12 × 1 = 12 और 9 कितने होते हैं, 21, ठीक है। तो 2160 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, जिस पर हमें कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी अच्छे से, ठीक है, चलिए क्लियर है सब कुछ, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चंस को भी लिखते रहिएगा और इनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा अच्छे से, ठीक है। इसकी पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए दूंगा मैं, जैसे मैंने आपको नंबर सिस्टम के लिए दी है और परसेंटेज की दी है। और हाँ, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, वहां पे जाके जुड़ जाएं। जितनी भी आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड कराई जाएंगी वो टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके जुड़ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं आज की क्लास के। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपए में बेचने पर उसे 25% हानि होती है, 25% हानि होती है, उसी पर 25% का लाभ कमाने हेतु कुर्सी को कितने रुपए में बेचा जाए,
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का आपका, ठीक है। एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपए में बेचने पर उसे 25% की हानि होती है, उसी पर 25% का लाभ कमाने होती कुर्सी को कितने रुपए में बेचा जाए। अगर हमें 25% का लाभ कमाना हो तो कुर्सी को कितने रुपए में बेचेंगे, हमसे पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें हानि हो रही है 720 रुपए में बेचने पर उस वस्तु पर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हानि का क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 25% का अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो कितना आएगा फ्रैक्शन, 1/4, ये हमारा क्या होगा, सीपी होगा, ठीक। 4 का 25% हमें पता है 1 होता है, इसकी क्या होती है, हानि हो रही है, इसका मतलब एसपी क्या होगा वस्तु का, वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा। जो एक्चुअल में हमें कितना दे रखा है, 720 दे रखा, मतलब कि 3 बराबर हमें कितना दे रखा है, 720 दे रखा है। अगर 1 की बात करें हम, 1 की बात करें, 1 निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, इसको कितना जाएगा हमारा, 240, ठीक है। 1 = 240 आ गया और हमसे पूछा है अब हमें सीपी निकालना है इस वस्तु का, तो 4 बराबर हम निकालेंगे तो 4 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, देखो 240 × 4 करेंगे कितना जाएगा, 4 × 16 = 6, 4 × 8 = 960 रुपये, ठीक है। तो इसका जो हमारा सीपी आ गया वो कितना आ गया, 960 रुपये आ गया हमारा सीपी। अब हमसे पूछा कि हमें क्या चाहिए इस पे, इस 960 रुपये पे हमें क्या कमाना है, 25% का प्रॉफिट कमाना है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इस 960 रुपये का 25% निकालेंगे, मतलब 125% प्रॉफिट होगा, तो 125% निकालेंगे। देखो 10 से 10 जाएगा, या ऐसे करो 960 ऐसे दीजिए हमें, तो 25 से काटो, 25 × 100, 25 × 5 = 125। अब इसको 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 4 × 2 = 8, 1 = 4 × 16 = 0 कितना आएगा, देखो 5 × 20 = 0 हासिल लगा, 1 × 5 = 10 और 2 1200 रुपये आ गया, ठीक है। 5 × 0 = 0 हो जाएगा, 5 × 20 = 0, 2 हासिल, 5 × 10 = 12, 1200 रुपये हमें क्या आ गया, इसका एसपी आ गया। अगर हम 1200 रुपये में इस वस्तु को बेच दें तो हमें क्या होगा, 25% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको मज़ा भी आया होगा, ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। प्रॉफिट लॉस की ये पहली क्लास है, अच्छे से देखिए, अच्छे से इसके बेसिक को समझिए, आगे के क्वेश्चंस भी आपको तभी समझ में आएंगे जब आप इस क्लास को अच्छे से देखते हैं, ठीक है। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।